तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक वीडियो कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से मोबाइल ऐप का यूज़ करना है, कंटेंट कैसे रिसर्च करना है, किस तरह के कंटेंट पे आपको वीडियो बनाना है जिससे आपका चैनल बहुत फास्ट ग्रो करे, उसके साथ साथ आपको वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, आपको अपने चैनल का कैटेगरी क्या सेलेक्ट करना है, आपको इसी एक वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है। हालांकि जो भी वीडियो एडिटिंग है और थंबनेल एडिटिंग है उसके लिए मैं आपको दूसरे अलग वीडियो बताऊंगा जो मेरे ही चैनल पे अपलोडेड हैं, बट जो भी जरूरी चीजें हैं आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बट उससे पहले, आप में से बहुत किसी को लगता है कि चैनल को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा कैमरा होना चाहिए, एक अच्छा सा सेटअप होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, पीसी होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन है तो भी आप एक बहुत ही बेहतर क्वालिटी का वीडियो बना सकते हैं। जब मैंने भी अपने चैनल को स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी सिर्फ एक फोन था, माइक भी नहीं था। मैंने कैसे भी पैसा इकट्ठा करके, कोचिंग कराता हूं तो पैसे इकट्ठा करके मैंने माइक को परचेज किया और धीरे धीरे करके मैंने अपने सेटअप को इंप्रूव किया। आज के डेट में मेरा सेटअप कुछ ठीक है, पहले से तो बेहतर है। तो स्टार्टिंग में किसी के पास उतने अच्छे खासे सेटअप नहीं होते हैं, जैसे जैसे आपको पैसा आता जाएगा आप अपने सेटअप को इंप्रूव करेंगे। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज के डेट में मैं अधिकतर क्रिएटर को देख रहा हूं कि वो स्टार्टिंग से ही यूट्यूब टिप्स देना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक, मतलब कि टेक्निकल वीडियो का मतलब है यूट्यूब टिप्स देना। अधिकतर किसी को यही समझ में आ रहा है कि टेक वीडियो बनाना मतलब कि यूट्यूब टिप्स देना, और स्टार्टिंग से ही वो सिखा रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने का ट्रिक, व्यूज बढ़ाने का ट्रिक, वीडियो वायरल करने का ट्रिक, शॉर्ट वीडियो वायरल करने का ट्रिक। भाई, ऐसा कोई ट्रिक है तो आप अपना वीडियो क्यों नहीं वायरल कर रहे हैं? अधिकतर लोग स्टार्टिंग में यही सिखा रहे हैं जिसके कारण उनके जो सब्सक्राइबर हैं उनका वीडियो तो देख लेते हैं बट उसके बाद उनके चैनल को विजिट ही नहीं करेंगे। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। आप लोगों को ज़्यादा दिन तक पागल नहीं बना सकते हैं। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कोई सिखा ही नहीं रहा है, बस फालतू के टॉपिक पर वीडियो बना रहा है। वीडियो को वायरल करने का या सब्सक्राइबर बढ़ाने का कोई ट्रिक ही नहीं होता है। वॉच टाइम कंप्लीट करने का कोई ट्रिक ही नहीं होता है। वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा भाई? आप वीडियो बनाएंगे, आपका वीडियो कोई देखेगा तो ही तो वॉच टाइम कंप्लीट होगा, और उसी में लोग ट्रिक बता रहे हैं कि इस ट्रिक से अपना वॉच टाइम कंप्लीट कीजिए। चलिए, मानता हूँ कि कुछ ट्रिक हैं जिससे आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उससे आपका चैनल ग्रो होगा? नहीं ग्रो होगा। तो इस तरह के वीडियो आपको नहीं बनाना है। आप एक एजुकेटर हैं, टेक्निकल वीडियो जो बनाता है वो एक एजुकेटर का काम करता है, तो आप सही वीडियो बनाइए, लोगों को सिखाइए। आज के डेट में जो सिखा रहे हैं उनका चैनल बहुत जल्द ग्रो कर रहा है। जैसे कि मैं भी सिखाता हूँ, मेरे चैनल पे आपको कोई भी फालतू का टॉपिक नहीं मिलेगा। उसी तरह एक और चैनल है, स्टोरी डायरी, आप जाकर देख सकते हैं। उनके चैनल पे मेरे चैनल से भी कम वीडियो है, मतलब मैंने अपने चैनल पे 200 वीडियो अब होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने चैनल पे मात्र 40 वीडियो अपलोड किया है, और 40 वीडियो में मेरे से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और वो केवल सिखाते हैं शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाएं, फैक्ट वीडियो कैसे बनाएं, स्टोरी वीडियो कैसे बनाएं। सिखाना है आपको स्टार्टिंग से, ये नहीं कि स्टार्टिंग से आप यूट्यूब टिप्स देना स्टार्ट कर दें। एक और बात मैं आपको बता दूं, आप में से अधिकतर किसी को लगता है कि टेक वीडियो बनाना मतलब कि यूट्यूब टिप्स देना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक वीडियो में बहुत अलग अलग तरह की कैटेगरी के वीडियो आते हैं, जैसे कि आप गैजेट रिव्यू का वीडियो बना सकते हैं, आप स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, मतलब कि 10,000 के अंडर कौन से फ़ोन हैं जो बेस्ट हैं, उनके फीचर से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हैं। ठीक, स्मार्टफोन के जो भी सेटिंग होते हैं उनके ट्रिक से रिलेटेड कुछ वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने फ़ोटो को अपलोड करके और तुरंत उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, टेक्नोलॉजी ज्ञान जो है मनोज सारू, वो इस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। टेक्निकल दोस्त का चैनल आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के टेक वीडियो होते हैं, लेकिन आप लोग बस केवल YouTube टिप्स देना स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग से ही सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, दूसरे को देखकर, बड़े क्रिएटर को देखा कि ये बना रहे हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते हैं, बस आप भी उसी पे वीडियो बना देंगे, तो स्टार्टिंग से आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा, आपका सब्सक्राइबर बेस नहीं बन पाएगा। बिकॉज अभी के डेट में बहुत सारे लोगों को ये पता चल गया है कि ऐसा कोई ट्रिक होता ही नहीं है जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर पाए। आज मेरे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर हैं, मतलब उससे ज़्यादा ही हैं, बट मैंने आज तक कोई भी ट्रिक यूज नहीं किया है। ट्रिक होता ही नहीं है भाई, तो कैसे यूज होगा?
तो इस बात को आपको समझना है, आपको सिखाने पे ज्यादा ध्यान देना है तो ही आपका चैनल ग्रो करेगा। अभी के डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग तरह के चैनल है, जैसे कि मिस होशियार के जैसा वीडियो कैसे बनाए, आप जाके देख लीजिए, मेरा भी चैनल उसी से बूस्ट हुआ है, उस वीडियो को मैंने बनाया, उस पर 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गया। ठीक, शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाए, ठीक, एक है बिहू 96 के जैसा वीडियो कैसे बनाए, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं जिस पे आप बता सकते हैं, न्यूज बॉय के जैसा वीडियो कैसे बनाए, न्योन मैन के जैसा वीडियो कैसे बनाए, ठीक, बहुत सारा है, ग्रेविटी चैनल के जैसा वीडियो कैसे बनाए, अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तरह का कंटेंट बना रहे हैं, उनके जैसा वीडियो कैसे बनाना है ये आप सिखा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल एडिटिंग, बस दो तरह का जो टॉपिक है ये आप अपने वीडियो में सिखा सकते हैं। मतलब कि आप एक चैनल बना लिए जिसमें आप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाना है, उसमें आप ये बताएंगे कि आपको कंटेंट कहाँ से लेना है, वीडियो को कैसे एडिट करना है, वॉयस ओवर कैसे करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है, सब कुछ आप एक वीडियो में बताएंगे। दूसरा, आप केवल ये बता सकते हैं कि शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो का एडिटिंग कैसे करना है, ठीक, लॉन्ग मोटिवेशनल वीडियो का एडिटिंग कैसे करना है, फैक्ट वीडियो का एडिटिंग कैसे करना है, बिहू 96 के जैसा वीडियो बनाकर कैसे एडिट करना है उसको, ठीक, मिस होशियार के जैसा वीडियो कैसे एडिट करें, मतलब अलग अलग जो क्रिएटर हैं मेरे जैसा वीडियो कैसे एडिट करें, मैंने भी इस पे वीडियो बनाया है, ठीक, मनोज डे के जैसा वीडियो कैसे एडिट करें, मतलब जो भी क्रिएटर हैं उनके जैसा आप एडिटिंग सिखा सकते हैं। टेक्निकल कैटेगरी में गैजेट रिव्यू का वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारा आइडिया है। तो आप सिखाइए, सिखाने पे फोकस कीजिए, लोगों को पागल बनाने के चक्कर में पड़े तो आपका कभी भी फ्यूचर सेट नहीं है यूट्यूब पे, बात समझ लीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह के कंटेंट पे काम करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास केवल एक मोबाइल फोन है, ठीक, तो आपको अपने वीडियो को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फेस कैम वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल फोन में ओपन कैमरा ऐप का यूज करके अपने वीडियो को बनाना है, और अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप नाइट के टाइम में अपने वीडियो को शूट करें जब बिल्कुल शांति हो, ठीक, नाइट के टाइम में। लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ करके एक माइक परचेज कर लें, ठीक, बिकॉज ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लिए कि आपको वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, वीडियो रिकॉर्ड करते समय भी आपको दो बातों का ध्यान रखना है। कभी कभी अगर आप टेक्निकल वीडियो बनाएंगे तो आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शो करना पड़ेगा, तो आपको इसी फोन से स्टार्टिंग में, जरूरी नहीं है कि आप स्क्रीन पे जो बताएं उसमें आपका फेस भी दिखे, आप मेरा स्टार्टिंग का वीडियो जाकर देख सकते हैं, फेस वाला वीडियो अलग था और मोबाइल पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके बाद उसमें वीडियो में ऐड किया कर देता था, ठीक। तो स्टार्टिंग में आपको भी केवल स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करना है, ठीक। स्क्रीन रिकॉर्डर मैं जो यूज करता हूँ वो है एक्स रिकॉर्डर, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको अपने वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो वीडियो को एडिट करने के लिए आप काइनमास्टर या VN एडिटर ऐप का यूज कर सकते हैं, हालांकि मैं काइनमास्टर ऐप का यूज करता हूं, अब आपके लिए जो भी बेटर हो आप वो यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कहां पे मिलेंगे, तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सिंपली आप जाकर सर्च कीजिएगा बैकग्राउंड नो कॉपीराइट म्यूजिक फॉर टेक वीडियोज, तो आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे, वहां से आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं, या एक चैनल है NCS नो कॉपीराइट म्यूजिक, ठीक, वहां से भी आप खुद से सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा म्यूजिक आपको बेटर लगता है, उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपको अपने थंबनेल को कैसे एडिट करना है। तो थंबनेल को एडिट करने के लिए मैं पिक्सेल लैब ऐप का यूज करता हूं, और पिक्सेल लैब ऐप जो है वो बहुत ही बेस्ट है, ठीक। अब ये सब आपको कैसे सीखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को कैसे एडिट करना है इस पे मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, यहां पे आपको उसका थंबनेल दिख जाएगा और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ठीक। थंबनेल कैसे बनाना है तो उस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, इसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये दोनों वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है vidIQ ऐप का यूज करना, ठीक। अगर आप vidIQ ऐप का यूज करना सीख गए तो आप अपने वीडियो का SEO बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं सब कुछ बता रहा हूं जो मैं यूज करता था स्टार्टिंग से मैं vidIQ ऐप का यूज कर रहा हूं, ठीक। तो आपको vidIQ ऐप का यूज करना सीखना है, उसमें आपको डेली के 3 टॉपिक मिलेंगे,
3 टॉपिक मिलेंगे जिस पे आप वीडियो बना सकते हैं। तो उस ऐप का यूज आपको कैसे करना है तो उस पे भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो का SEO कैसे करना है, वीडियो को सही तरीके से कैसे अपलोड करना है, ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने चैनल को बहुत जल्द ग्रो करना है तो आपको इन दोनों टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये दोनों भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। उस पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे, मैं उस पे भी वीडियो बना चुका हूं। ठीक, तो इन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने चैनल का कैटेगरी क्या सेलेक्ट करना है। तो आप अपने चैनल का कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप एक टेक वीडियो बनाना चाहते हैं तो। ठीक, तो ये सब तो मैं आपको बता दिया। अब आपका आता है सबसे ज्यादा जरूरी चीज, कंटेंट रिसर्च कैसे करेंगे, मतलब कि स्टार्टिंग में आपको किस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो जस्ट मैं आपको पहले भी बताया कि आप सिखाइए अपने वीडियो के माध्यम से, आप सिखाने पे ध्यान दीजिए, पागल बनाने पे ध्यान नहीं दीजिए। जो चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, आप उन सब चीजों से रिलेटेड अधिकतर क्रिएटर वीडियो बना रहे हैं। 1 घंटा में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, 1 दिन में 4000 घंटा कंप्लीट करें, भाई कंप्लीट होता है वो मुझे भी पता है, लेकिन उससे जो भी क्रिएटर जो भी व्यूअर उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ठीक, उनका चैनल कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। आप लोगों का जिंदगी बर्बाद करेंगे तो लोग आपको क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? आप सही चीज बताएंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे एक बॉन्डिंग बन पाएगा। तो आप सही चीज सिखाइए। तो मैं आपको पहले भी बता दिया कि आज के डेट में जो भी यूट्यूब पे क्रिएटर हैं उनके जैसा वीडियो बनाना आप सिखा सकते हैं। ठीक, उसके लिए तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उन अब देखना पड़ेगा कि भाई ये कैसे वीडियो बना रहा है। तो देखिए, जब भी जैसे मान लीजिए कि आपको ये बताना है कि न्यूज बॉय के जैसा वीडियो कैसे बनाए, उस पर मैंने भी वीडियो बनाया था उनका, अच्छा से सब रिसर्च किया था, तो आप उनके वीडियो को देखिए अच्छे से कि वो जो कंटेंट बता रहे हैं वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है। और अगर आप उनका वीडियो एज अ क्रिएटर देखेंगे, मतलब एक क्रिएटर के जैसा देखेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो अपने वीडियो के लिए कंटेंट कहाँ से लेते हैं। ठीक, तो उसी तरह से आप किसी भी चैनल को विजिट करें तो आप उसका डिस्क्रिप्शन जाकर देखें कि भाई डिस्क्रिप्शन कैसे लिख रहा है, इसके चैनल का कैटेगरी क्या हो सकता है, बैकग्राउंड म्यूजिक इनका कहाँ से मिल सकता है। ठीक, उसके साथ साथ वो अपने वीडियो में जो भी कंटेंट है वो कैसे फाइंड करते हैं, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, खुद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप वीडियो बनाएंगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा। आज के डेट में बहुत सारे क्रिएटर अपना वीडियो बना दे रहे हैं किसी भी तरह से, भले ही वीडियो का क्वालिटी अच्छा हो या ना हो, अच्छा से वीडियो में बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, ठीक, लेकिन फिर भी उम्मीद करके बैठ जाते हैं भाई मेरा एक वीडियो है, मैंने 10 वीडियो डाल दिया और अभी तक चैनल ग्रो नहीं हुआ। कैसे ग्रो होगा भाई? स्टार्टिंग में सभी को लगता है कि भाई मेरा वीडियो तो सबसे बेटर है, मेरे जैसा वीडियो तो कोई बनाता ही नहीं है, भले ही सामने वाला कोई देखकर गाली दे। ठीक, तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबको अपना वीडियो अच्छा लगता है, मुझे भी अपना वीडियो अच्छा लगता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आपका वीडियो सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, जो भी आपके वीडियो पे क्लिक कर रहा है उसको आपके वीडियो से कुछ सीखने को मिलना चाहिए, उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए, तो वो आपको सब्सक्राइब करेगा, आपको फॉलो करेगा। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि मैं कौन कौन से ऐप का यूज करता हूं, आपको किस तरीके से काम करना है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि YouTube में जो ग्रोथ मिलता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में आपके व्यूअर नहीं है तो स्टार्टिंग में आपको खुद से अपना वीडियो देखना पड़ेगा। आप अपने फोन से 2 से 3 बार देख लीजिए, या आपके पास कोई दूसरा फोन है, या आपके फैमिली में कोई दूसरा फोन है तो उनके फोन से आप देखिएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने वीडियो को कभी भी शेयर नहीं करना है। ठीक, आप में से बहुत सारे लोग जब अपना चैनल क्रिएट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही अपने वीडियो को शेयर कर देते हैं अपने रिलेटिव्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, जिसके कारण स्टार्टिंग में ही आपका जो चैनल है वो डेड हो जाता है। बिकॉज आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, वो एक दिन तो आपका वीडियो देख लेंगे लेकिन रोज रोज आपका वीडियो नहीं देखेंगे। तो इस बात को आप लोग समझिए, स्टार्टिंग में आप सही तरीके से केवल कंटेंट पे फोकस कीजिए और अपना वीडियो आप खुद से देखिए, अलग अलग फोन के हेल्प से, अलग अलग gmail ID से। ठीक, लेकिन शेयर नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया यह सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।